फिल्म 2.0 इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म के अभी कुछ हिस्सों की शूटिंग बाकी है, जिसके चलते फिल्म की रिलीजिंग बार बार टलती जा रही है। यह फिल्म 2011 में रिलीज हुई रोबोट का दूसरा भाग है। फिल्म में रजनीकांत के अपोजिट अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं। फिल्म की तुलना बीते वर्ष रिलीज हुई सुपरहिट मूवी बाहुबली से की जा रही है, लेकिन इन पांच बातों पर गौर करें तो फिल्म फ्लॉप भी साबित हो सकती है। पहली, फिल्म की रिलीजिंग को लेकर बेहद लंबा इंतजार हो गया है, जिससे दर्शकों के बीच फिल्म को उत्सुकता और क्रेज काफी कम होता नजर आ रहा है। दूसरा, दक्षिण के महानायक कहे जाने वाले रजनीकांत की कोई भी फिल्म बॉलीवुड में अपना जलवा नहीं दिखा सकी है। ऐसे में 2.0 को सिर्फ अक्षय कुमार के नाम पर बॉलीवुड में सफलता मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं तीसरा, यह फिल्म पहली मरतबा अक्टूबर 2017 में रिलीज होने वाली थी। अगर उस समय फिल्म रिलीज होती तो फिल्म की कमाई तगड़ी हो सकती थी। इसकी वजह से बाहुबली इफेक्ट और दूसरी वजह थी कि तब 2017 में कोई दूसरी ब्लॉकबस्टर रिलीज नहीं हुई थी। वहीं अगर चौथी बात करें तो इस साल अक्षय कुमार की एकमात्र फिल्म पैडमैन रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। उसने कोई खास कमाई नहीं की। अगर फिल्म अक्टूबर में रिलीज होती तो उस वक्त अक्षय कुमार टॉयलेट की सफलता के बाद सातवें आसमान पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है और 2.0 के अलावा अब उनकी दूसरी फिल्मों को लेकर भी संशय है। पांचवा, अगर फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होती है तो फिल्म को किसी दूसरी बड़ी फिल्म से नुकसान हो सकता है। ऐसे में फिल्म की रिलीज दिवाली और क्रिसमस के बीच करनी पड़ेगी। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहे हमारे साथ, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रोबोट 2.0 का कितना इंतजार है। फिल्म 2.0 इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म के अभी कुछ हिस्सों की शूटिंग बाकी है।